और इंडिया के बहुत जल्द 35 टुकड़े होने वाले। खाने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। इंशाल्लाह, अल्लाह माफ करे, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मनुष्य लग रहे हो, माशाल्लाह, मत करो रन लो, सुभान अल्लाह, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। कैसे हो किटकैट? बहुत बढ़िया, आई होप अच्छे होगे। तो आज का वीडियो थोड़ा फनी है, आप हंसते हंसते पागल हो जाओगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक सीरियस बात बता दूं कि पहले तो मुझे धमकियां मिलती थी कि भाई आपको ऐसी मौत देंगे, वैसी मौत देंगे, पता नहीं क्या कर देंगे, तो उससे कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब की बार कुछ यूनिक धमकी मिली है कि आपकी पिक एडिट करके वायरल कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब आप सोचोगे मैं आपको क्यों बता रही हूँ, आप क्या हेल्प कर सकते हो? आप कुछ हेल्प नहीं कर सकते, आप बस अगर ऐसा कुछ हो जाए तो इग्नोर करना, ठीक है? तो जैसा कि पता है पाकिस्तान में आटा दाल चावल ये सब तो है नहीं, लेकिन कश्मीर चाहिए उनको एक घंटा। तो 5 फरवरी को पाकिस्तानी मनाते हैं कश्मीर डे। आर यू कॉमेडी मी? वाह, तो तुम भीख डे क्यों नहीं मनाते? क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। भीख डे नहीं, भीख दे, रोटी दे, आटा दे, पानी दे, बिजली दे, गैस दे, लोन दे, पता नहीं क्या क्या दे, ये मनाया करो। बात तो सही है। 5 फरवरी को पाकिस्तानी निकाल रहे थे रैली, उसी पर पाकिस्तान की रिपोर्टर है तो वो गई है रैली के बीच और जो रैली लगा रहे उनसे उनका इंटरव्यू लेने। तो चलिए अपन भी आनंद लेते हैं, चलो। हम देखें कश्मीर की आवाम किसके साथ मिलना चाहती है। आज तक 7-8 दहाइयां होने वाली है उनको उनके साथ, इंडिया वालों के साथ, लेकिन आज तक वो सरापा एहतजाज है। अच्छा, अपने शहीद देते जा रहे हैं। आज तक वो 5 लाख से जायद शहदा के वो वारिस है, लेकिन आज भी वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। पागल है क्या? इसका मतलब ये है कि वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं। उनके वो जो असल रसूख है इंडिया ने वहां पे जमा रखा है, हर 10 बंदे के ऊपर एक इंडियन आर्मी का फौजी आता है, ये क्या उनके ऊपर जुल्म नहीं है? ये आज हम इस जुल्म के लिए इकट्ठे हुए हैं। अच्छा मेरे भाई, पहले आप पर जो जुल्म हो रहा है महंगाई का उससे तो लड़ लो, नहीं कश्मीरियों के लिए बाद में लड़ लेना। नहीं, वो कहते हैं कि ये क्यों हमारे बारे में बोलते हैं, ये हम लोग इससे ज्यादा खुश हैं। देखिए जब हम एज ए नेशन बात करते हैं तो फिर हम एक बंदे की या एक इंटरव्यू की बात नहीं करेंगे। एज ए नेशन वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, अगर ना मिलना चाहते हो तो वो आज इंडिया के सामने अपने आप को सरेंडर करें। उनकी वो जो फैसिलिटीज दे रहे हैं वो ले, वो उनकी फैसिलिटीज नहीं ले रहे हैं। 5G वहाँ पर लॉन्च हो रही है श्रीनगर में, 5G वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पर उनके लिए मुफ्त तालीम है। देखें ये वाली वो फैसिलिटीज वो उनसे ये भी नहीं चाह रहे, वो इस चीज का उनसे ना डिमांड कर रहे हैं। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? वो तो अपना एक मुसल्लत जमाने के लिए उनके ऊपर, एक दुनिया को दिखाने के लिए कि हम इनके साथ हमदर्दी कर रहे हैं, और अंदर देखे उनको पायलट गनों के फायर लगाए जाते हैं। झूठ बोलो, उनकी आंखें जाया हो रही हैं। बार बार झूठ बोलो, वो अपने शहीद दे रहे हैं। जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। इसको भी आप कहेंगे कि वो उनके साथ है, उनकी फैसिलिटीज को इस्तेमाल करें? ये तो एक बेसिक नीड है, वो जहाँ भी बंदा रहता होगा चाहे पहाड़ों के अंदर है, वो बेसिक नीड अपनी पूरी करेगा जहाँ से भी करेगा। लेकिन उनके दिल आज भी पाकिस्तानियों के साथ है। बिल्कुल चुप, और पाकिस्तानियों के साथ धड़कते हैं। हिम्मत कैसे हो इधर ही मुंह खोल ले? यूनाइटेड नेशंस वगैरह जो हमारी दूसरी मुस्लिम कंट्री है, उन्होंने कहा है कि कश्मीर को छोड़ो, भूल जाओ, अपने हालात दुरुस्त करो, वो लोग वहाँ खुश है, तुम लोग अपने आजाद कश्मीर को संभालो। देखें हम आजाद कश्मीर का उनको उनकी प्रॉपर सहूलियात मुयसर है। रैलियां क्यों निकाल रहे हैं सर? वो पाकिस्तान के साथ खुश हैं। अच्छा, इसका यही मतलब है उनको हम प्रॉपर उनकी जो बेस है, बेसिक नीड है वो पूरी हो रही है, और वो इस्लाम के रिश्ते के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनो क्या, बेसिक नीड पाकिस्तान की पूरी नहीं हो रही। मेरे को एक स्टोरी याद आ गई, एक बच्चा बूट पॉलिश करता था, उसकी कमाई नहीं हुई। अच्छा, आकर घर पर खाना मांगता है, माँ बोलती है खाना तो नहीं है, ठीक है, और जब वो माँ बाहर जाती है कमाने के लिए, इतने में बच्चा सुसाइड कर लेता है। ये हालत है पाकिस्तान की। तौबा तौबा, जो पाकिस्तान के हुक्मरान है उनके द्वारा ये चूर्ण चटा दिया जाता है कि भाई कश्मीर कश्मीर करो, ताकि ये जो इनके रियल हालात है उन चीजों पर इनका फोकस नहीं जाए। ये बात है, और ये ऐसी जाहिलता करते हैं, तरस आता है मुझे कभी कभी ऐसे लोगों पर। और रही बात जुल्म की, तो पाकिस्तान में तो अपने आप फट रहे हैं मस्जिद में जाकर, तो वो जुल्म नहीं दिखता तुमको? अरे हाँ भाई हाँ, ये वही दो कमी नजरिया था जो आज से बहुत साल पहले अल्लामा इकबाल ने दे दिया था कि वो नजरियाती बेस है, उनके साथ ना हमारा कल्चर मिलता है या कोई और चीज मिलती है, कोई चीज उनके अंदर सेम नहीं है, इसकी वजह से उनके साथ वो रहना ही जा रहे हैं। सर मुझे आप एक बात देखा, आजाद कश्मीर में रैली निकल रही है, और अगर हम कहते हैं कि वो मुसलमान है, तो सर इंडिया में मुसलमान पाकिस्तान से ज्यादा है।
इंडिया के अंदर मुसलमान यकीनन पाकिस्तान से ज्यादा हो गए, आप वहां पे भी उठते हुए फसादों को देख रही हैं, आप रोजाना एक नई तहरीक उठते हुए चाहे वो खालिस्तान की हो, अच्छा, चाहे हमारे साथ तकसीम हिंद के वक्त होने वाले फ्रॉड हो, ठीक है, जो हमारे बहुत सारे मुस्लिम अक्सरीती इलाके थे उनके पास चले गए थे, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उनके अंदर वो तहरीके बरपा है, ठीक है, समझ गया, और इंडिया के बहुत जल्द रुको जरा 35 टुकड़े होने वाले। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। पहले तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने वाले हैं अभी हाल फिलहाल, उसको तो देख लो यार। नहीं चनूने काट रहा। इंडिया के तो पता नहीं कब क्या होगा, वो बाद की बात है। समझ में आया? अपने कंट्री का सोचो, कहीं सिंधु देश बन रहा है और पाकिस्तान का नामो निशान मिटने वाला है। क्या बात कर रहा? मैंने ऐसा भी नारा सुना है कि कल बना था बांग्लादेश और आज बनेगा कंगलादेश। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। पाकिस्तान नक्शे से ही मिट जाएगा। कितने शानदार विचार रखते हैं जी। कश्मीर डे के हवाले से हम यही कहेंगे कि आज का ये जो पैगाम है ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में ये दिन नहीं मनाया जा रहा है, ये पूरी दुनिया में मनाया जाता है। और झूठ बोल रहा है। पूरी दुनिया में कहाँ मनाया जाता है, सिर्फ पाकिस्तान ही मनाते हैं, पूरी दुनिया नहीं मनाती। ये तो स्पेशली हम हिंदुस्तान को और भारत को ये कह देना चाहते हैं, ये पाकिस्तान को इतना लाइट ना ले। पाकिस्तान को इतना लाइट ना ले। पाकिस्तान को तो लाइट में ले रही है। तू समझा? पाकिस्तान में लाइट ही नहीं है। समझ रहे हो? यार कितनी कॉमेडी करते हैं। और कश्मीर के लिए हम कुछ भी कर जाएंगे। ओरे बाबा! अच्छा सर मुझे एक बात बताएगा, रिसेंटली न्यूज चैनल्स पर आजाद कश्मीर का हाल दिखाया जा रहा था कि वहाँ पर वो लोग रैलियां निकाल कर बाहर निकले हुए, उनको फैसिलिटीज नहीं मिल रही। आपको क्या लगता है कि इसी में क्या जम्मू कश्मीर की डिमांड करना सही है पाकिस्तान जिस हालात में है? नहीं देखे, पाकिस्तान अल्लाह के हुक्म से ये कलमे की ताकत से बना है। वाह, कलमे की ताकत पाकिस्तान भी मांग रहा है। पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के तमाम इदारे, पाकिस्तान की सियासी टीमें, ये सब एक हैं। हम इंडिया को ये बता देना चाहते हैं, ये तुम्हारी भूल है, ये जो हम तुम्हें मजा जो चिखाएंगे ये दुनिया में तुम्हें किसी ने नहीं दिखाया होगा। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। इंडिया को तो मजा चखाना दूर की बात, पहले बेटा खाने का मजा चखने से भी दूर हो जाओगे तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। रिसेंटली दुबई कश्मीर हमारे गल्फ नेशंस की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आती है जिसमें पाकिस्तान को वो ये कहते हैं कि कश्मीर भूल जाओ, इंडिया से ताल्लुकात ठीक करो तभी आपको हम पैसे देंगे, हम लोन देंगे। तो हमारी जो मुस्लिम कंट्रीज है, जो गल्फ नेशंस है, वो कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ क्यों नहीं दे रही? क्यों पता नहीं, क्या पाकिस्तान की इकोनॉमिकल क्राइसिस की वजह से या क्या वजूहत है? देखिए मसला ये नहीं है, मसला हमारी सोच पे है, हमारी हमारे माइंडसेट पे है। हम एज अ पाकिस्तानी, ये हमारी ताकत है, ये हमारा ईमान है, ये हम तो कलमे की ताकत से बने हुए हैं। ये जो हमें पैसों की लालच के से देख के, जैसे बर्रे सगीर के दौर से ये रिवायत चलती आ रही है कि मुसलमान को हमेशा खरीदा जाता है, इंशाल्लाह ताला अब ये वो कौम है, इंशाल्लाह ये एक पेज पे खड़ी है, और इंशाल्लाह ताला हिंदुस्तान के खिलाफ तो हम एक पेज पे है, सारी पार्टियां एक पेज पे है, सारी एजेंसीज एक पेज पे है, पाकिस्तान के जो अहम इदारे हैं वो भी एक पेज पे है। कश्मीर के बारे में दो राय हमारी ना है, ना थी और ना होगी। चाचा कह रहे हैं हम चाहे कुछ भी हो लेकिन हिंदुस्तान का नाम आते ही हम लाहौरी चूर्ण चाट के फट जाएंगे। अबे ये जो जज्बा है ना तुम्हारा, अपने लीडर्स के खिलाफ दिखाओ ताकि तुम्हारा देश कल को बच जाए, जो बचा खुचा है ना वो बच जाए, वजूद रह जाए, वरना तो एक था पाकिस्तान। आज का वीडियो बस इतना ही, आप अपना ख्याल रखिए, लव यू माय किटकैट्स।